नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक विटिम चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ADSL2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। आप यदि BSNL का FTTS लेते हैं तो आपके पास में एक राउटर आता है और बहुत सारी जगहों पे इसी से हम इंटरनेट चला लेते हैं। आप BSNL का कनेक्शन भी है तो ऐसा कुछ एक राउटर आपको घर पे लगा होगा ना। ये ADSL2 वर्जन है। ADSL 1 आता है जिसमें ये वाईफाई नहीं होता है। ADSL 2 में क्या है, ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी होता है। पहले DSL आते थे, अभी क्या है ADSL आते हैं, मॉडम के अलग अलग टाइप, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो मॉडम है इसके साथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास में। आपके पास में एक एडेप्टर होना चाहिए जो इसको पावर ऑन करता है। पावर ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे जो पीछे 12 वोल्ट दिया हुआ है इसमें आपको प्लग इन करना है, ठीक है। और एक आपके पास में क्या होना चाहिए, पैच कोड होना चाहिए। अब बात करते हैं पहले सेटअप। तो सेटअप कैसे होता है, यदि आपके पास में BSNL का लाइन आया है, हो सकता है कि आपके पास में DSL लाइन आया होगा, तो यहाँ पे DSL का पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे DSL का पोर्ट है और ये चार जो है ये LAN पोर्ट है, मतलब यहाँ पे आपका इन आता है और उसके बाद में यहाँ ये चारों में आप अपने चार कंप्यूटर लगा सकते हैं और वाईफाई के थ्रू आप मोबाइल पे भी वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑन ऑफ बटन है, आप इसको पावर ऑन और ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे एक WPS लिखा हुआ है ऊपर और ये नीचे लिखा है वायरलेस ऑन ऑफ। मान लीजिए आपने वायरलेस सेटिंग कर रखी है लेकिन आप चाहते हैं कि यार स्पीड बहुत शेयर हो रही है तो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वाईफाई को क्या करूँ, ऑफ कर दूँ और अपने कंप्यूटर में चल दूँ, तो आप ये वायरलेस ऑन ऑफ जो है नीचे वाला इसको दबा सकते हैं। WPS का मतलब क्या है, यदि आपके पास में ADSL 2 का कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है और आपके पास कोई फ्रेंड आता है और वो बोलता है कि मुझे भी आपका पासवर्ड शेयर करो ना थोड़ी देर के लिए, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, तो आप ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, आप उसको पासवर्ड शेयर ना करके आप WPS का एक सेटिंग आता है, मोबाइल में भी आता है और यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है फिजिकली, तो वो WPS बटन पे क्लिक करें और इस WPS बटन पे क्लिक करेंगे आप तो उसकी कनेक्टिविटी आपस में हो जाएगी बिना कोई पासवर्ड शेयर किए हुए। बड़ी सेटिंग डेंजरस भी है, मतलब इसी सेटिंग की वजह से बहुत सारे वाईफाई एक्सेस पॉइंट है जो हैक किए जा सकते हैं इजीली। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो सिर्फ WPS की सेटिंग की वजह से बोलती हैं कि हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं, बट मतलब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, WPS वाली जो सेटिंग है उसको ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी बात कर रहे हैं कैसे आप अपने ADSL में उस WPS को ऑफ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ लाइटें लगी हुई है रंगीन बनाने के लिए, ठीक है। इन सब का ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे पावर का लाइट है, फिर 1 2 3 4 मतलब लैन कनेक्शन है कि नहीं है, वाईफाई है कि नहीं है, रीसेट रीसेट और ये सब चीजें हैं, इन सब के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इसमें एक नीचे बैक में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रीसेट, ठीक है। ये जो रीसेट है ये बहुत यूजफुल है, यदि आपने BSNL का मॉडम के साथ में प्ले करना है और सेटिंग्स को चेक करना है तो आपको ये रीसेट बटन का पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको पावर ऑन करना है और ये रीसेट बटन को आप कोई भी पिन से थोड़ी देर दबा कर, ठीक है। जैसे आप दबा के रखेंगे और यहाँ लाइट क्या होगी, रेड होगी और उसके बाद में उसको क्या करना है, छोड़ देना है। ये आपका ADSL क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। अब इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो पहले हम इसको रीसेट कर रहे हैं, उसके बाद में इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। आप थोड़ा 15-20 सेकंड दबा के रखिएगा बस और उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। आपका जो राउटर में पहले से जो सेटिंग है वो सारी क्या हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी, रेड हुआ और ये अभी ऑन हो जाएगा, ओके। तो ये सबसे पहले करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, पैच कोड को यहाँ फर्स्ट वाले कोई भी एक लैन पोर्ट में लगाना है, मतलब हम इसको लैन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और यदि आपके पास में DSL लगा हुआ है तो आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो, DSL लाइन है तो यहाँ पे उसको DSL लाइन को पहले लगाना है, उसके बाद में इस वाले पैच कोड को क्या करना है, आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर देना है। D-Link के जो राउटर है जितने भी आते हैं इनमें डिफॉल्ट क्या होता है, DHCP इनेबल रहता है, आपको 192.168.1 के बाद वाले जितने आईपी एड्रेस है वो ये सी क्लास के आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, हो सकता है आप साउथ या और दूसरे रीजन में होंगे तो वहां पे 192.168.0.1 लिया होगा, कहीं जगह 1.1, तो ये डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है उस पर डिपेंड भी करता है।
ओके, तो अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं। ओके, तो हमने ADSL राउटर कनेक्ट कर दिया इस कंप्यूटर के साथ में, और अब बात करते हैं IP एड्रेस हमें मिला है कि नहीं मिला, देखता हूं मैं। आप IP एड्रेस चेक करने के लिए क्या टाइप करना, IP config, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ एक IP एड्रेस मिल गया, ठीक है, ये IP एड्रेस मिल गया। तो मैंने बताया था 192.168.1.1 वाली सीरीज जो है, ये देखिए डिफॉल्ट गेटवे जो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये मतलब आपका राउटर है, जो ADSL राउटर है उसका ये IP एड्रेस है, और ये हमारे कंप्यूटर को उसने IP एड्रेस दिया, और ये उसका सबनेट मास्क है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है, अभी क्लास सी का IP एड्रेस है, ठीक है, सबनेट मास्क सी का है, तो ये क्लास सी का IP एड्रेस होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारा कंप्यूटर ने IP एड्रेस ले लिया है, तो सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इस राउटर को एक्सेस करते हैं आपके कंप्यूटर से। तो अपने कंप्यूटर से राउटर को एक्सेस करने के लिए राउटर की आईपी एड्रेस आप किसी भी एक ब्राउजर में टाइप कीजिए। तो राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1, वहां पे जो डिफॉल्ट गेटवे दिखा रहा था, यहाँ पे जो आपको डिफॉल्ट गेटवे दिखा रहा है, इसका मतलब यही क्या है आपका इस राउटर का आईपी एड्रेस। यदि आपको यहाँ पे 0.1 दिखा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है ब्राउजर में वो 0.1 टाइप करना है, ठीक है, टाइप करके एंटर क्लिक कीजिए। जैसे आप एंटर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिन एडमिन टाइप करिए। जो डिफॉल्ट डीलिंग के जितने भी राउटर हैं, मोस्टली जितने भी मॉडल हैं, उन सभी का एडमिन एडमिन पासवर्ड है। तो आप एक बार यदि आपके पास में कोई दूसरा राउटर है, जैसे मेरे पास में DSL 27550U है, तो यदि आपके पास में कोई दूसरा है, तो आप एक बार उसका यूजर नेम पासवर्ड इंटरनेट से चेक कर लीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटअप विजार्ड, जैसे आपने रिसेट किया तभी ये आएगा, यदि आपने पहले से कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ तो ये चीज नहीं आती है। तो हम एक बार सेटअप विजार्ड में जाके आपको देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सेटिंग करते हैं। सेटअप विजार्ड में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 5 स्टेप है, और इनमें आपका क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। अब ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है बताइए, ये वाईफाई वाला पासवर्ड नहीं है, ये जो हमने अभी इसको एक्सेस किया एडमिन एडमिन, ये वो वाला पासवर्ड पूछ रहा है। यदि आपको ये चेंज करना है यहाँ पे, तो आप वो पासवर्ड क्या करिएगा, टाइप कर दीजिए जो भी आपका पासवर्ड है, और इसको आप हमेशा चेंज करके रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहां पे आपको आता है टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो टाइम जोन जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, कोई भी आपको जो करना है वो आपके एरिया के अनुसार, ठीक है, और लोकल टाइम, हाँ ठीक है, और ये क्या है कॉपी कंप्यूटर टाइम, ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, या आप NTP सर्वर होता है वो आप NTP सर्वर इनेबल कर सकते हैं कि कौन से सर्वर से आपको IP एड्रेस लेना है, या आप अपने कंप्यूटर से ही लेना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर से ही ले रहे हैं, अभी NTP सर्वर मेरे पास में है नहीं, यदि है तो आपके पास में यहाँ पे इनेबल कीजिए, उस NTP सर्वर को यहाँ से लिंक करके अदर पे जाइए, आपके सर्वर का IP एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज डीलिंग के जो दो सर्वर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, यदि आप डीलिंग के NTP सर्वर चाहिए तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक इंटरवल होता है एवरी 1 आवर में ये क्या करेगा, आपको अपडेट करेगा वहां से सेटिंग लिंक, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी, हम सिर्फ इसको कंप्यूटर कॉपी कंप्यूटर टाइम करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपको कंट्री और ISP प्रोवाइड करने का, तो यहाँ पे कंट्री में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ISP BSNL यदि आपके पास में BSNL है तो। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए यदि आप जैसे ही BSNL सेलेक्ट कर दे तो प्रोटोकॉल क्या आ गया, PPOE, PPOE का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और ईथरनेट, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये मेन बेसिक प्रोटोकॉल है FTTH का, यदि आपको यही यूज करना है, मतलब आप यदि PPOE कनेक्शन चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना है, इस वाले प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यदि आपके पास में DSL वाली लाइन आई है तो, ठीक है। कनेक्शन टाइप हम LLC रखते हैं, और VPI और VCI क्या है इनकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन ये कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो फिक्स ही रहती है, मतलब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यदि सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ओके, उसके बाद में बात आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय योर ISP। पहले यूजर नेम पासवर्ड क्या था, इस डीलिंक के मॉडल को एक्सेस करने के लिए, अब यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड होता है जो BSNL के उधर से आपको प्रोवाइड किया जाता है,
तो वो बीएसएनएल का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो आपको कहीं पे भी यदि आप कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको एक पक्का बीएसएनएल और ऐसे ऐसे एट द रेट कुछ करके एक आपको पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड उसका दिया हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जो भी आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ऐसे उसका पासवर्ड लगा दीजिए और यहाँ पे कंफर्म। ये बात तब की होती है जब मुझे इस राउटर के साथ में कोई डीएसएल कनेक्शन देना है। मान लीजिए मुझे राउटर के साथ में डीएसएल कनेक्शन देना ही नहीं, मेरे पास में एक लैन आ रहा है और उससे मुझे वाईफाई सिर्फ इसको बनाना था, ठीक है। तो उस टाइम में क्या करना है, बहुत सारे लोग इसको इसलिए भी यूज करते हैं सिर्फ एज ए वाईफाई एक्सेस पॉइंट, तो उस टाइम में आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कीजिए और जो प्रोटोकॉल आता है उसमें आपको और भी कई चीजें दी हुई है। ये पीपीओई ये यूसी का प्रोटोकॉल है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है, डायनेमिक रेंज, स्टेटिक आईपी और ब्रिज कनेक्शन, ठीक है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपको कनेक्शन कर। तो ब्रिज कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई कनेक्शन आ रहा है वो, और फिर आपको क्या करना है फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यदि आपका ऐसा सेटअप है कि आपके पास में इंटरनेट आ रहा है लेकिन मुझे वाईफाई के लिए, मतलब मेरे पास में लैन केबल है आ रही है इंटरनेट की और वाईफाई के लिए मुझे एक्सेस पॉइंट बनाना है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रिज कनेक्शन इसको इनेबल करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रिज कनेक्शन, ठीक है। प्रोटोकॉल ब्रिज लेना होगा या फिर डायनेमिक आईपी ले सकते हैं आप, स्टेटिक आईपी। डायनेमिक आईपी मतलब इसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा लेकिन वो कहां से मिलेगा, कोई डीएससी पे सर्वर चल रहा है वहां से, या आप इसको एक आईपी एड्रेस देना चाहते हैं स्टेटिक, इसका खुद का एक आईपी एड्रेस आप अलग से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी ब्रिज कनेक्शन ले रहे हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कॉन्फिगर वायरलेस नेटवर्क की। तो वायरलेस नेटवर्क आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है, यदि आप चाहते हैं कि ये डीएसएल मॉडर्न राउटर काम करे बट मैं वायरलेस इनेबल नहीं करना चाहता, वाईफाई नहीं इनेबल कर, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका SSID नेम आता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर नेम जो है वो क्या है कि आप जब भी वाईफाई इसको ऑन करेंगे तो जो यूजर अपने फोन में जो वाईफाई देखते हैं ना, तो वो ये इस नाम से आएगा, डीलिंग नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम आप टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ पे टेक्निकल टीम लिख देता हूँ, ओके। फिर बात आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको ये जो SSID है ये विजिबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कई बार बहुत सारे वाईफाई चलते रहते हैं लेकिन आपको दिखते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, इनविजिबल किया हुआ है ताकि कोई भी पब्लिक उसमें आके कनेक्ट ना हो। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। फिर बात आती है सिक्योरिटी लेवल। जो आपका नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा वाईफाई पे, यदि आपका यूजर कोई कनेक्ट होता है, तो फिर कौन सा कम्युनिकेशन, कौन सा सिक्योरिटी मोड है जो आपको यूज होना चाहिए। अभी इसमें जो लेटेस्ट वाला है वही आपको सेलेक्ट करना है, WPA2 PSK ये दे रहा है, वो भी कई वर्जन है लेकिन आप सिर्फ इस पे, यहाँ पे तो तीन ऑप्शन अवेलेबल है, इन्हीं में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात आती है पासवर्ड। जो वाईफाई का जो पासवर्ड होता है ना, बोलते हैं यार वाईफाई पासवर्ड थोड़ा सेव करना, ये वाईफाई का पासवर्ड डिफॉल्ट रहता है डीलिंक में, ठीक है, फोर्ट्रेस 123 एंड, और इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कोई भी एक पासवर्ड लगा दीजिए। फिर हम वायरलेस की सेटिंग फिनिश हो गई, चार स्टेप हो गए, नेक्स्ट स्टेप फाइनल स्टेप। यहां पे बोल रहा है 8 और 63 करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो पासवर्ड दे रहे हैं ये आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 8 और 8 से ज्यादा करेक्टर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। यहां पे आपको एक समरी आती है, ठीक है। कभी भी यदि आपको इस राउटर को, मान लीजिए ये राउटर बहुत सारे लोग हैं वो यूज करते हैं इसको, और आपके अलावा कोई और भी एडमिन है, तो इस वाले स्क्रीनशॉट को आप लेके रखिएगा हमेशा, दूसरे के साथ शेयर नहीं करना क्योंकि इसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, बट ये आपके पास में होना चाहिए। ये आपको समरी, सेटअप समरी, और सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद में जैसे सेव किया मैंने तो ये दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है ना। ओके, सेव पे क्लिक कर दिया। अब हम एक बार यहां पे एंटर करते हैं। ओके, अब मैंने न्यू पासवर्ड से लॉगिन किया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, न्यू पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग देखते हैं। देखिए, सेटअप में जाइए और यहाँ पे लोकल नेटवर्क, ठीक है। लोकल नेटवर्क मतलब इसका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, और यहाँ पे बाकी जो चीजें, ठीक है। और
दोबारा आते हैं फिर हम इंटरनेट सेटअप पे। इंटरनेट सेटअप में एडीएसएल की सेटिंग और ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और वायरलेस में, वायरलेस पे क्लिक कीजिए। हमारा जो मेन मकसद था इस वीडियो का वो वायरलेस सेटअप को दिखाना था, ठीक है। तो पहले हमने सेटअप की बात की, अब हम बात करेंगे वायरलेस सेटअप की। सिर्फ वायरलेस सेटअप में आप यहाँ आइए और यहाँ पे आपको देखेंगे जो हमने एसएसआईडी वहां से सेट किया था टेकव्यू टीम, वो आ रहा है। मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एपी मोड है, एपी मतलब एक्सेस पॉइंट, और बैंड ये 2.4 और कौन कौन सा बैंड होता है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज होता है। लेकिन ये हमारे पास में जो मतलब मॉडम है, जो राउटर है, ये सिर्फ 2.4 को ही सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो एपी है, ये हो सकता है यहाँ पे एपी आ रहा है सिर्फ, बाकी कई जो दूसरे कंपनीज के जो आपको यदि वाईफाई राउटर लेंगे तो उनमें राउटर ब्रिज ऐसे मोड भी ओपन आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो हम अभी इसी की बात करते हैं। चैनल बैंडविड्थ, हाँ ये आपको ध्यान में देना चाहिए, 20 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, और नहीं भी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 40 मेगाहर्ट्ज कर सकते हैं। 20 और 40 दो कनेक्शन होते हैं वायरलेस में, दो कनेक्शन होते हैं, 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ की और 40 मेगाहर्ट्ज की। आप ऑब्लिक में रखिए तो जो अवेलेबल होगा उसमें हो जाएगा कई बार, ओके। उसके बाद में बात करते हैं, ये बेसिक सेटिंग थी वायरलेस बेसिक। फिर वायरलेस सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में देखिए, हमने बात जो की थी यहाँ पे WPA2 जो हमने लगाया था, और यहाँ पे इसका की जो हमने टाइप किया था वो आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन देखिए, यहाँ पे आ रहा है पर्सनल, पर्सनल मतलब पहले से आपने जो की बनाई है वो, और यहाँ पे आ रहा है एंटरप्राइज रेडियस। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास में कोई सर्वर है, एक जैसे आपने एडी सर्वर बनाते हैं हम, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, वैसे यदि आपके पास में सर्वर है और उस सर्वर में बहुत सारे यूजर है, तो आप इस वाली सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, और उस सर्वर के साथ में फिर क्या होगा, ये कनेक्शन होगा। फिर यहाँ पे आपको सर्वर का एड्रेस देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एड्रेस मांग रहे हैं और उसका पोर्ट और आईपी एड्रेस मांग रहे हैं। ये आपको क्या करना होता है, बताना होता है कि कौन से सर्वर, कौन सा आईपी एड्रेस का सर्वर से ये डाटा उठाना है। तो होगा क्या, जब भी आप इस वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उस सर्वर पे, उस ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, और उसके बाद में वो यदि सक्सेस होती है, आपने सही पासवर्ड डाला है, तो फिर आपको वाईफाई एक्सेस हो जाएगा। तो हम जो जनरल पर्पज में यूज करते हैं वो पर्सनल सेव्ड की पे ही करते हैं, और इसी को यूज करना, ठीक है। उसके बाद में मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि वाईफाई के एक्सेस कंट्रोल है, मैक फिल्टरिंग है, और ये सब चीजें कहां से आती है, ये सब चीजें यहां नहीं आएंगी आपको, ये सब चीजें कहां जाना है, आपको एडवांस में जाना है, ओके। यहां पे देखिए एडवांस वायरलेस है, इसमें आप वायरलेस एडवांस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, बहुत कम, यदि आपको अच्छे से पता है थ्रेशोल्ड वगैरह वैल्यू क्या है तो आपको चेंज करना है, बाकी इनको चेंज करने की जरूरत नहीं। सेकेंड ऑप्शन जो है एक्सेस कंट्रोल का, ये आप चेंज कर सकते हैं। देखिए वायरलेस एक्सेस कंट्रोल मोड, ये अभी डिसेबल है, मतलब वायरलेस का किसी को भी हमने एक्सेस कंट्रोल किया नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलाउ लिस्टेड, जिसको मैंने लिस्ट किया सिर्फ उन्हीं को अलाउ करना है, या मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करिएगा, डिनाई लिस्टेड, तो अलाउ लिस्टेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैक एड्रेस उसका टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस ले लेता हूं पहले, गेट मैक, ओके, यहाँ पे डैशेस नहीं लगेंगे, हमने जो कॉपी किया वो डैशेस के साथ में है। तो और जो भी है आपको वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्लिक करके आएगा, हाँ ये मैक एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा आपका जो राउटर है, वो दोबारा से सेटिंग को सेट करके और दोबारा से फिर ये आपको अब नई सेटिंग के साथ में इनेबल रहेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक मैक एड्रेस डाल दिया, अब ये मैक एड्रेस सिर्फ इसका वाईफाई एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इतना आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ, बट अभी आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, पोर्ट मिररिंग क्या होता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इस दोबारा इस एडीएसएल राउटर पे आएंगे, बट अभी के लिए इतना ही काफी है। इसमें और भी पेरेंटल कंट्रोल है, आप यूआरएल ब्लॉक कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पे आप यदि कोई यूआरएल ब्लॉक करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी यूआरएल ब्लॉक करके उसके कीवर्ड डाल दीजिए, और इसको क्या करना है आपको, एड फिल्टर में डालना है,
तो मतलब ये जैसे फायरवॉल काम करते हैं ना, रूल्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे आपको इसमें फैसिलिटी दी हुई है पेरेंटल कंट्रोल की। ऑन टाइम, ऑनलाइन टाइम क्या है, शेड्यूल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिल्टरिंग ऑप्शन, मैक फिल्टरिंग, ये सब चीजें इसमें हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि स्टेटस वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यदि आपको सबसे पहले आपको सिर्फ देखना है कि मेरे अभी मॉडल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये तो आपके मॉडल के नंबर है। यदि आप किसी से हेल्प मांगे, मान लीजिए आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे मॉडल में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो फिर मैं आपसे पहले तो यही पूछता हूँ कि आप मॉडल नेम बताइए आप, ठीक है। तो आपको ये मॉडल नेम पता होना चाहिए, DSL 2750 है मेरा, ठीक है। और उसके बाद में फर्मवेयर वर्जन कि कौन सा रोम है आपका, और भी जो सारी चीजें वो आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से आपको समरी मिल जाएगी, आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो वाईफाई का सेटिंग किया था वो मिल रहा है, और भी चीजें यहाँ, ठीक है। और DHCP क्लाइंट, यदि इसने किसी को DHCP दिया है, मतलब आईपी एड्रेस दिया है, तो देखिए यहाँ पे इस कंप्यूटर को इसने आईपी एड्रेस दिया था 51, तो यहाँ पे लिस्टेड आ रहा है। तो जितने भी यूजर कनेक्ट होंगे उनके यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, यदि आपको देखना है कि कौन कौन से क्लाइंट कनेक्टेड है तो यहाँ से मिल जाएगी। वायरलेस क्लाइंट देखना है तो भी यहाँ से आपको मिलेंगे, कितना डाटा जा चुका है, कितना क्या कर चुके हैं, और रेट क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा वायरलेस क्लाइंट कितना डाटा यूज कर रहा है, ठीक है। बस इसमें इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी यदि कहीं पे जरूरत पड़ेगी या आपको और भी इसमें कुछ चीजें सीखनी है, जैसे एडवांस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यदि आपको पर्टिकुलरली कोई लग रहा है कि नहीं यार ये वाली जो चीज है ये मुझे सीखनी है या ये वाली चीज इसमें कवर होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उस चीज को भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।